हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक्स और आगे कीजिए शेयर, और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी आवश्यकताएं। हम आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लाते रहेंगे ट्यूटोरियल्स और आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर। धन्यवाद। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों की ये शिकायत आती है हमारे पास, या फिर यूँ कहें कि कमेंट आते हैं, और मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे बहुत लोगों ने कहा कि कोई ऐसा मतलब फाइल मैनेजर बताइए जो एक्सेसिबल भी हो और थोड़ा मतलब सही भी हो यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए फाइल मैनेजर लेके आया हूँ, ये प्योर गूगल का प्रोडक्ट है। हालाँकि जो स्टॉक एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनके फ़ोनों में तो ये मिल ही जाता है, बट जो Redmi का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर Samsung का यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ फ़ोन Oppo के, Poco के, है ना, Vivo के, तो उनमें क्या होता है कि एक्सेसिबिलिटी का बहुत सारा इशू आता है फाइल मैनेजर को लेके। तो आज की मेरी वीडियो Google फाइल्स के ऊपर होने वाली है, एक बेहतरीन जो हमारा ये फाइल मैनेजर है। यह वीडियो मैं हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अनीता जी, उनकी डिमांड पे बना रहा हूँ। और भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था और पर्सनली भी कई दोस्तों ने मुझे कहा था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस फाइल मैनेजर को यूज़ करने के बाद आपको ऐसा अनुभव प्राप्त होगा कि आप कई एप्लीकेशन का उपयोग एक ही साथ कर रहे हैं। मैं इसमें पहले आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा प्लेलिस्ट है, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा फोल्डर है और उसमें कई सारे सॉन्ग्स हैं, तो आप लोग कई बार कहते हैं कि कोई ऐसा म्यूज़िक प्लेयर बताओ, तो इसको आप म्यूज़िक प्लेयर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है, फाइल टू फाइल शेयर, मतलब आप भी गूगल फाइल्स का यूज़ कर रहे हैं और आपका फ्रेंड भी गूगल फाइल्स का यूज़ कर रहा है, तो आप दोनों विदाउट एनी इंटरनेट, मतलब बिना नेट के एक दूसरे के साथ फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, चाहे फिर वो APK हो, ऐप्स हो, फोटोज़ हो, है ना, लिंक्स हो, कुछ भी हो, वट एवर इट, कुछ भी हो आप शेयर कर सकते हैं। आज मैं सारा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ टॉकबैक के साथ। तो और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि आप लोग जैसे फाइल मैनेजर यूज़ करते हैं, है ना, कई लोग परचेज करके भी यूज़ करते हैं, कई लोग कहते हैं कि इनएक्सेसिबिलिटी का इशू आता है, तो इसमें मैं सारा कुछ दिखाऊंगा। और इसमें दो ऐसे फीचर नए जोड़े गए हैं अभी रिसेंटली, एक तो है प्लेबैक स्पीड। उसमें क्या होता है कि किसी भी ऑडियो की स्पीड को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आज मैं करके दिखाऊंगा। और दूसरा इसने दिया है एक नया ऑप्शन, सेव फोल्डर। इसमें एक ऐसा फोल्डर दिया गया है जिसके थ्रू हम अपना कोई भी डाटा बड़ी आसानी से सेव करके रख सकते हैं और उसमें एक पिन कोड लगा सकते हैं, उस पिन को आप खोलेंगे तभी वो दिखेगा, अदरवाइज़ वो कोई और नहीं छेड़ सकता, कुछ इम्पोर्टेंट डाटा अभी कई बार हमारा होता है, ठीक है। तो ये सब जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो में बने रहे। अगर आप गूगल फाइल्स के बारे में जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, अगर नहीं जानते तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। आज मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो हे गाइस, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गूगल फाइल्स के बारे में कुछ बेसिक। ये मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पे, सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च में लिखना है गूगल फाइल्स या वॉइस सर्च करना है, तो पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं प्ले स्टोर पे आ गया हूँ, मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है, अभी मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी को मिल सके। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गूगल फाइल्स को ओपन करूँगा। ये देखिए, इसकी हेडिंग है, राइट स्वाइप करेंगे, गूगल LLC, गूगल के द्वारा बनाया गया है, ये इसकी पहचान है। अनइंस्टॉल, ओपन, तो ओपन बटन पे सिंपली डबल टैप करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे हमें एक परमिशन देनी होगी स्टोरेज की, ताकि हमारा ये सारा डेटा अपने पास ले सके और हमें इजीली एक्सेस कर सके। तो डबल टैप करेंगे कंटिन्यू पे। Allow files by Google to access photos, media and files on your device. Allow button. तो यहाँ पे अलाउ कर देंगे सिंपली। Files.
Show navigation menu button. तो मेरे सामने ये ओपन होके आ चुका है। अभी क्या है कि हमारा जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कर्सर है ना, वो क्लीन पे होता है। तो ये देखिए, जैसे हमारे फोन में होम, ओवरव्यू और बैक बटन होता है ना, उसके ऊपर तीन बटन्स मिलेंगे हमको, ब्राउज और शेयर और क्लीन। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। Selected, clean, tab, one of three, and list, three items. अभी selected, clean, tab पे है, ये right swipe करेंगे. Browse, tab, two of three. ये browse tab है, right swipe करेंगे. Share, tab, three of three. ये share tab है. तो share tab में तो हम directly किसी को कोई भी file share कर सकते हैं, अगर सामने वाले के पास भी Google files है तो, वो भी मैं करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। और ब्राउज में तो हमारा मेन सारा ही रहता है, और ब्राउज में ही हमें इंटरनल स्टोरेज, SD कार्ड, हमारे ऑडियो वीडियो वगैरह सब कुछ दिखेंगे। तो अभी हमारा क्लीन वाले पे है, तो क्लीन वाले पे देख लेते हैं एक बार क्या क्या ऑप्शन आएंगे। ऊपर टॉप लेफ्ट में एक बार टच करेंगे, शो नेविगेशन मेन्यू बटन आउट ऑफ लिस्ट, शो नेविगेशन मेन्यू आता है, राइट स्वाइप करेंगे, फाइल्स, यहाँ पे फाइल्स इसकी हेडिंग आ गई। Device 18.76 GB used, 128 GB total internal storage, SD card, 46.85 GB used, 63.83 GB total SD card, and list. ये देखिए, इसने मुझे बता दिया कि मेरा जो डिवाइस स्टोरेज है वो कितना खाली है और फुल कितना था, और मेरा जो SD कार्ड है वो कितने GB का था और वो कितना भरा हुआ है। तो इसने सारी डिटेल मेरे को बता दी। अभी राइट स्वाइप करेंगे, Review YouTube video media, 8 files total. देखिए टोटल 8 फाइल इसने बता दिया, रिव्यू मीडिया यूट्यूब, सजेशन मेन्यू फॉर यूट्यूब वीडियो मीडिया कार्ड बटन, ये सजेशन दे रहा है हमें यहाँ पे, सिलेक्टेड फ्री अप 235 MB बटन, सिलेक्टेड इतनी MB है ये देखिए बता रहा है, रिव्यू व्हाट्सएप मीडिया 37 फाइल्स टोटल, रिव्यू व्हाट्सएप मीडिया। तो इस तरह से ये हमें सारे ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। Go to play protect button. Go to play protect कर सकते हैं इसे, Google play protect is on, suggest selected free up 50.94 MB button. Selected free इतनी MB बता रहा है ये है यहाँ पे। Browse, tab, two of free, and list, three items. आप अपने हिसाब से यहाँ से क्लीन वगैरह इसे कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से जो जो आपके फोन में फाइल्स वगैरह होंगी वो कितनी जंक्स फाइल है यहाँ पे सब वो आपको दिखा देगा, वरना मैं आपको लास्ट में यहाँ पे दिखा दूंगा। लेकिन अभी जो मेन फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके, उसके बाद अभी हम यहाँ पे क्लीन के आगे राइट स्वाइप करेंगे, हमें ब्राउज मिलेगा, तो देख लेते हैं। Selected, clean, tab, one of three. ये क्लीन टैब आ गया, अभी यहाँ से राइट स्वाइप करेंगे, browse, tab, ये आ गया ब्राउज टैब, इस पे डबल टैप करेंगे, browse, selected. तो ये देखिए सिलेक्टेड ब्राउज टैब। तो अभी हमारे सामने ऊपर टॉप राइट में शो नेविगेशन डोर मिलेगा हमें, recent. Show navigation menu button. Show navigation menu. पहले इसमें देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या ऑप्शन है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें हम कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं एज अ म्यूजिक प्लेयर, किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वो फाइल हमें कब प्राप्त हुई थी, कितने बजे हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी, वो सारी डिटेल हम यहाँ से निकालेंगे। तो अभी मैं एक बार मेन्यू में चलूंगा, राइट डबल टैप करूंगा, जीरो बी स्पेस सेव फाइल्स, जीरो सेटिंग्स, यहाँ पे सेटिंग्स है, इसकी सेटिंग में चल के देखेंगे क्या क्या है। हेल्प एंड फीडबैक, यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक है, फीडबैक दे सकते हैं इनको। प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है। टर्म्स ऑफ सर्विस, टर्म्स एंड सर्विस है। तो ये कुछ है, अब यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं फटाफट, फाइल्स, जीरो बी सेटिंग्स, सेटिंग पे डबल टैप करेंगे, सेटिंग्स, नेविगेट अप बटन, नेविगेट बटन अप आ गया, यहाँ पे राइट स्वाइप करेंगे, सेटिंग्स, सेटिंग्स इसकी हेडिंग आ गई, लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया एंड लिस्ट, ये बाय डिफॉल्ट है लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया, इसको नहीं छेड़ेंगे हम, क्लीन हेडिंग, ये क्लीन इसकी हेडिंग है, देख लेते हैं आगे, नोटिफिकेशंस, चूज व्हिच नोटिफिकेशंस यू गेट, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे अपने हिसाब से नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं डबल टैप करके एक बार, नोटिफिकेशंस, Navigate up button. अभी राइट स्वाइप करेंगे, Notifications. ये इसकी हेडिंग आ गई, Notify me about, heading, and list. Notify me about, ठीक है? Low storage. Storage is almost full. On, switch. अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो जब भी आपका स्टोरेज लो होएगा ना तो आपको ये नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका स्टोरेज भरने वाला है और आप उसे एक्सेस कर लीजिए। अभी राइट स्वाइप करेंगे, Unused apps. Apps haven't been used for more than 30 days. On, switch. जो ऐप आपके यूज नहीं हो रहे हैं और उनको 30 दिन से ऊपर हो चुके हैं तो ये आपको बार बार अलर्ट करेगा कि ये यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो राइट स्वाइप करेंगे, डाउनलोडेड फाइल्स आर टेकिंग अप स्पेस, ऑन स्विच, ये देखिए डाउनलोड एंड फाइल, मान लीजिए कोई भी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं और वो स्पेस ज्यादा ले रही है तो भी आपको ये अलर्ट करेगा, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। राइट स्वाइप करेंगे, लार्ज मीडिया फोल्डर्स आर टेकिंग अप स्पेस, ऑन स्विच, लार्ज मीडिया फोल्डर, अगर किसी मीडिया का फोल्डर बहुत बड़ा है तो भी आपको ये अलर्ट करेगा, नोटिफिकेशन देगा।
तो राइट स्वाइप करेंगे ये डुप्लीकेट फाइल के बारे में। अगर कोई भी आपके में डुप्लीकेट फाइल है तो भी आपको ये अलर्ट करेगा, आपको बता देगा, इसे आप ऑन रखिएगा। राइट स्वाइप करेंगे ये जंक फाइल्स के लिए, कोई भी जंक फाइल्स आएगी आपके फोन में तो ये आपको अलर्ट करेगा और आपको बताएगा, इसे भी आप ऑन रखिएगा। राइट स्वाइप करेंगे ये मीन्स टेकिंग है, इसको आप ना ही छेड़ें, जैसा है डिफॉल्ट रहने दें आप इसको। तो यहाँ पे सेट ये आगे नोटिफिकेशन, तो यहाँ से एक बार बैक करेंगे हम back. No clear search history, clear browse, hidden suggestion, notifications, choose which notifications you get. तो हमने नोटिफिकेशन का देख लिया, अभी राइट स्वाइप करेंगे। Hidden suggestions. ये आ रहा है hidden suggestion. Browse, hidden suggestions. इस पर डबल टैप करके देख लेते हैं एक बार। Hidden suggestions. Navigate up. Hidden suggestions. You will see hidden suggestions here. Go to clean button. यहाँ से आप जो मैंने आपको क्लीन करने के लिए दिखाया था ना, तो यहाँ से आप इसे क्लीन कर सकते हैं अपने डिवाइस स्टोरेज को, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी डबल टैप करके इस पे दिखा देता हूँ आपको। Files, show navigation menu button. तो ये देखिए यहाँ पे राइट स्वाइप करेंगे। Files, device, 18, review YouTube video, suggestion menu for use, select and free up, review WhatsApp, select and free up 235 MB button. ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है ना। Review WhatsApp, suggestion menu, select and review WhatsApp, suggestion menu for select and free up more space, suggestion menu, continue button. यहाँ पे कंटिन्यू करके आगे आप इसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। बैक करेंगे back. Play Store. Open button. तो वापिस से वहीं चलेंगे एक बार। Files. Show navigation door. Menu. Files. Open feed settings. Settings में चलेंगे। Set. Hidden suggestions. ये hidden suggestion मैंने आपको दिखा दिया। Right swipe करेंगे। Browse heading. यहाँ पे browse इसकी heading आ गई। आगे देख लेते हैं। Clear search history. Clear search is made on this device. यहाँ पे आप इसे इसकी जो search history है उसे clear कर सकते हैं। जो भी हम search करते हैं ना files वगैरह उसकी जो history होती है वो clear कर सकते हैं। Right swipe करेंगे। Pause search history. Temporarily hide search is made on this device from the search history. Off switch. यहाँ पे इसकी pause history भी आप maintain कर सकते हैं इसे on करके। Right swipe करेंगे। Show hidden files. Show files that are used to run Android apps. Off switch. Friends आप इसे on रखिएगा, मैं इसे on कर देता हूँ। इसको ऑन करने से क्या होगा, आपके फोन के डिवाइस स्टोरेज में व्हाट्सएप नाम का एक फोल्डर होता है, उसमें मीडिया होता है और मीडिया के अंदर ना व्हाट्सएप स्टेटस का भी एक फोल्डर बनता है। जब तक आप इसे ऑन नहीं करेंगे तो वो आपको दिखाएगा नहीं, अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो वो आपको शो करने लगेगा, ठीक है। तो राइट स्वाइप करेंगे। यहाँ पे शेयर है। Your name. Tap to set your name. यहाँ पे योर नेम, तो आप यहाँ पे अपना नाम टाइप जरूर कीजिएगा ताकि जब भी आप इसमें फाइल्स टू फाइल किसी को भेजेंगे ना कुछ भी, तब आपका नाम वो सामने वाले को दिखाई देगा। आपको याद होगा पहले एक ऐप आता था शेयर इट करके, तो उसी तरह से इसका यूज है। बट शेयर इट में क्या होता था, एड्स वगैरह बहुत आती थी, तो इसमें एड्स वगैरह देखने को आपको नहीं मिलेंगी, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो इस पर डबल टैप कर देंगे सिंपली। Showing English, India, QWERTY, keyboard, set name, editing, enter your name, edit box. यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे। T A R U N space J U N E J A Janeha deleted. तो यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया, देख लेते हैं। Editing, Taryn Janeha, your name helps friends share, save. Your name helps friends share with you for editing, Taryn Janeha, edit box, enter your name, save button. Save button पे double tap कर देंगे। Settings. English, India, QWERTY, keyboard hidden. Your name, Taryn Janeha, enlist. ये देखिए मेरा नाम आ गया यहाँ पे, अभी right swipe करेंगे। Save files shared offline to SD card. All other files are still saved on your device. Off, switch. आप इसको off रख सकते हैं, on रख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपकी files वगैरह होंगी वो offline save होंगी, ये बता रहा है आपको, ठीक है। तो right swipe करेंगे। Other settings, heading. यहाँ पे other setting देख लेते हैं। About files app. बस यहाँ पे about files app, इसके बारे में बताएगा, about मतलब इस एप्लीकेशन के बारे में आपको ये डिटेल देगा कि ये क्या क्या है इसमें, ठीक है। अब आउट का मतलब यही होता है, तो सिंपल यहाँ से हम बैक कर देंगे। Back. Files. Zero B. Space saved. Back. बैक कर देंगे एक बार और बैक करेंगे। Back. Play Store. Open. वापिस से ओपन करेंगे। Files. Show navigation menu button. तो फ्रेंड्स अभी हमने शो नेविगेशन डोर में देख लिया हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लीन और ब्राउज और जो शेयर टैब आता है ना नीचे, तो आप ब्राउज टैब पे डबल टैप कर लीजिए जो होम के ऊपर आता है। ब्राउज टैब टू फ्री लिस्ट थ्री आइटम्स, इस पे डबल टैप करेंगे। ब्राउज सिलेक्टेड। अब आती है हमारी मेन चीज, ठीक है। तो यहाँ से राइट स्वाइप करेंगे हम। शेयर टैब थ्री ऑफ थ्री, शेयर टैब ये मैंने जो नीचे का टैब आया था राइट स्वाइप करते ही मुझे मिला है, अभी राइट स्वाइप करेंगे।
Show navigation menu button show out of list. Navigation menu में हमने देख लिया क्या क्या मिला हमें. Files. Files heading आ गई. Search. सर्च कर सकते हैं कोई भी फाइल यहाँ पे हम टाइप करके जो भी हमारे इसमें डेटाबेस में पड़ा हुआ है सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा सर्च करते ही. Recent. यहाँ पे रिसेंट. अब यहाँ पे क्या होता है मान लीजिए आपके फोन में आपने कुछ अभी डाउनलोड किया या कोई भी रिसेंटली फोटो खींची कोई वीडियो बनाई या फिर मान लीजिए कोई भी पीडीएफ फाइल कुछ भी आपने रिसेंटली ओपन किया है तो यहाँ पे आपके पास सामने शो करेगा. तो मैं यहाँ पे राइट स्वाइप करता हूँ. ये देखिए अभी मैंने इस फोल्डर में एक वीडियो वो करा था बनाया था तो यहाँ पे इस फोल्डर का नाम आ गया WhatsApp ऑडियो YouTube वीडियोस Screenshots, images. यहाँ पे screenshots. WhatsApp business images, WhatsApp business की images. तो जितने भी मैंने recently files open किए यहाँ पे सारी आ गई है. तो फटाफट से right swipe करेंगे आगे चलेंगे. WhatsApp images. WhatsApp categories out of list. अब यहाँ पे category आ जाती है. Downloads 36 MB. ये download 36 MB. तो जो भी हमने आज तक download किया है वो इस folder में show करेगा. ठीक है फटाफट से आप इस फोल्डर में आके देख सकते हैं. राइट स्वाइप करेंगे. Images, 576 MB. यहाँ पे जितने भी हमारे फोन में इमेजेस है ना वो सारी इकट्ठी एक ही जगह पे आपको दिखा देगा. तो ये कितने MB का फोल्डर है वो भी इसने मुझे बता दिया भाई कितनी इसमें इमेजेस हमारी भरी हुई है. राइट स्वाइप करेंगे. Videos, 26 GB. ये देखिए 26 GB की वीडियोस भरी हुई है मेरे फोन में तो इसने मुझे बता दिया. राइट स्वाइप करेंगे. Audio, 17 GB. 17 GB तक की ऑडियो भी भरी हुई है मेरे में तो राइट स्वाइप करेंगे. Documents and other, 494 MB. Documents and other. तो ये डॉक्यूमेंट्स की जो भी फाइल होती है सारी यहाँ पे आती है हमारी. Apps, 1.7 GB. Apps, 1.7 GB भरा हुआ है. जितनी भी एप्स है मेरी इंस्टॉल्ड सारी यहाँ पे शो करेंगी. Storage devices. Storage devices. Internal storage. Internal storage. Clean tab. 103. तो देख लेते हैं. Storage device. Internal storage. 109 GB free. Internal storage 109 GB free. तो मेरा जो internal storage है वो 109 GB खाली है अभी. ठीक है. Right swipe करेंगे. SD card. 17 GB free. यहाँ पे SD card 17 GB free. तो अभी मैं SD card में चलता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. ठीक है. Double tap करेंगे. SD card. Navigate up button. अभी राइट स्वाइप करूंगा. SD card. Showing in list view. Switch to grid view. अगर आप इस पे डबल टैप करेंगे तो आपको ये लिस्ट व्यू में अभी दिखा रहा है तो ये दूसरे व्यू में भी आपको दिखाने लग जाएगा. आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. राइट स्वाइप करेंगे. More options button. More option में देख लेते हैं क्या है यहाँ पे. Pop up window. Sort by 1-4 and list 4 items. Sort by है. Select all 2-4. Select all कर सकते हैं सभी फोल्डर को. Add new folder 3-4. Add new folder कोई भी नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. Storage settings 4-4. Storage की सेटिंग कर सकते हैं. तो यहाँ पे यही है एक बार बैक करेंगे. Back. SD card. More options button. अब मैं यहाँ पे किसी भी एक फोल्डर को चूज कर लूंगा उसमें मेरे सॉन्ग्स है वो आपको दिखाता हूँ मैं. Selected. Sense of show file action. Alarms. March 21st. Show file actions button. Friends, हर फोल्डर के सामने आपको show file action मिलेगा बटन. इसमें आपको कॉपी मूव कट डिलीट वो सब मिल जाएंगे शेयर. ठीक है वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा. राइट स्वाइप करते करते फोल्डर को चूज करूंगा. Android, show file, Android software, show file. DCIM, show file, download, show file, George Andrew, show file, Ariadne, show file, Ariadne, show file, Carriag, show file, lost.dir, show file action, Carriag, March 29th, 2019. मान लीजिए मेरा एक फोल्डर है कैरियोके का. ठीक है ये मार्च 2000 कब की डेट हुआ था ये देखिए इसने बताया था अभी. Show my Carriag, March 29th, 2019, 10 of 83. 2019 में मैंने ये फोल्डर इसमें ऐड किया था अपने एसडी कार्ड में. तो इसने मुझे ये भी बता दिया देखिए कितनी मतलब एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखा गया है यहाँ पे. तो इस पे डबल टैप करेंगे. अब मेरे सामने मेरे सारे कैरियो के ओपन हो गए मतलब फोल्डर के अंदर जो ऑडियोज हैं वो आ चुके हैं. तो मैं राइट स्वाइप करूंगा. Navigate up, SD card. Showing in list view. More options. SD card. Selected. Carriag. Selected कैरियो के इसकी हेडिंग आ गई. Set. March 29th, 2019. Show file actions. _ @ _ carry _ bin _ mine _ carry _ video _ drag _ with _ scrolling _ lyrics .mp3 7.13 MB from November 28th 2017 3 of 502. ये देखिए 28 नवंबर 2017 को मैंने ये फाइल प्राप्त की थी. इसने मुझे वो डिटेल भी बता दी. तो सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ पे डबल टैप करूंगा इसको. _ @ _ pause. ये देखिए ये प्ले हो गया था मैंने इसे पॉज कर दिया है. अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि हमारे सामने एक फाइल मैनेजर के रूप में खुल चुका है. अब मैं इसी फोल्डर के सारे सॉन्ग नेक्स्ट बटन कर करके सुन सकता हूँ. मतलब अब आपको कोई फाइल मैनेजर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. इसी के अंदर आपको फाइल मैनेजर भी मिल जाता है. तो मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको देखिए. तो सिंपली मैं राइट स्वाइप करते करते चलूंगा ऑप्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है और कितने एक्सेसिबल है.
नेक्स्ट बटन, इसके आगे नेक्स्ट बटन मिल जाता है। अगर मैं नेक्स्ट बटन पे जैसे ही फाइल डबल टैप करूंगा तो आपकी अगली फाइल चल पड़ेगी, ठीक है। तो राइट स्वाइप कर लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड 10 सेकंड्स बटन, यहां पे आप 10 सेकंड के लिए इस कैरियर को आगे निकाल सकते हैं या किसी भी ऑडियो को जो भी आप यहां पे प्ले करेंगे। शेयर बटन, हॉरिजॉन्टल पेजर, यहां से आप डायरेक्टली किसी को शेयर कर सकते हैं इस ऑडियो को, व्हाट्सएप या ईमेल या किसी पे भी, फेसबुक पे। राइट स्वाइप करेंगे, फाइल इन्फो बटन, यहां पे फाइल इन्फो देख सकते हैं इसकी, मतलब ये कब आपको मिला था, कितनी एमबी का है, कौन से सोर्स से डाउनलोड किया गया है, सारा आप यहां पे देख सकते हैं। राइट स्वाइप करेंगे, डिलीट बटन, यहां से आप डायरेक्टली इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं, नेविगेट अप बटन, नेविगेट अप बटन, मोर ऑप्शंस बटन, मोर ऑप्शन बटन, मोर ऑप्शन पे डबल टैप करेंगे, पॉप अप विंडो, ओपन विद, यहां पे ओपन विद, ओपन विद आ रहा है, ठीक है। तो ओपन विद आ रहा है ना यहां पे, तो सिंपली यहां से हम बैक करेंगे एक बार, बैक फाइल्स बाय गूगल selected underscore ag underscore carry underscore bacon underscore mine underscore underscore carry underscore video underscore track underscore with underscore scrolling underscore lyrics dot dot mp3 and horizontal pager page 1 of 500। तो ये देखिए, इसने मुझे यहाँ पे ये सारा बता दिया। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक बार बैक करूँगा, बैक SD card underscore ag underscore carry underscore send। तो इस तरह से तो हमने यहाँ पे देख लिया कि फाइल मैनेजर को इसमें कैसे यूज करना है, ठीक है। तो सिंपली अब मैं अगला ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हर फाइल के आगे आपको एक शो एक्शन बटन मिलेगा, ये देखिए, शो फाइल एक्शन बटन, इस पे डबल टैप करूंगा मैं, पॉप अप विंडो सेलेक्ट 1 ऑफ 8 लिस्ट 8 आइटम्स, आप इसको डबल टैप करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, शेयर 2 ऑफ 8, यहाँ से आप डायरेक्टली किसी को शेयर कर सकते हैं इस ऑडियो को, डिलीट 3 ऑफ 8, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, ओपन विद 4 ऑफ 8, ओपन विद में किसी भी म्यूजिक प्लेयर में से ओपन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मूव टू 5 ऑफ 8, यहाँ पे इसको मूव भी कर सकते हैं इंटरनल स्टोरेज में या एसडी कार्ड में कहीं भी, कॉपी टू 6 ऑफ 8, यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, रीनेम 7 ऑफ 8, इसको रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसका नाम चेंज करना है तो इसे आप रीनेम भी कर सकते हैं। इस पे जैसे ही डबल टैप करेंगे एडिट बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो भी ये नाम लिखा होगा वो आ जाएगा। एक बार डिलीट की दबा देना, सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नाम रख देना, ओके कर देना, वो नाम सेट हो जाएगा रीनेम में, फिर आपको उसी नाम से दिखा करेगा, ठीक है। तो राइट स्वाइप करेंगे, फाइल इन्फो 8 ऑफ 8, यहां पे आता है फाइल इन्फो, इस पे डबल टैप करके दिखा देता हूं आपको, once selected files by google underscore ag underscore carry underscore bacon underscore mine underscore underscore carry underscore video underscore track underscore with underscore scrolling underscore lyrics dot dot mp3। ये देखिए, इसने बता दिया इसका नाम, slash storage slash e02c-b639 slash carryout slash underscore ag underscore carry underscore bacon underscore mine underscore underscore carryout underscore video underscore track underscore with underscore scrolling underscore lyrics dot dot mp3। ये देखिए, इसने बता दिया कि आपके SD कार्ड में पड़ा हुआ है और कौन से फोल्डर में पड़ा हुआ है। राइट स्वाइप करेंगे, 7.13 MB का है ये, मॉडिफाइड नवंबर 28, 2017, 11:59 PM, 28 नवंबर 2017 को 11:59 PM पे ये मुझे प्राप्त हुआ था। तो सिंपली इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार बैक करूंगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको बैक कर दिया है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो प्लेबैक स्पीड का जो नया फीचर आया है ना, उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उसे यूज़ करने के लिए आपका जो ये मोबाइल है एंड्रॉयड 10 में होना चाहिए, ठीक है। एंड्रॉयड 10 में ही ये फीचर वर्क करता है, एंड्रॉयड 9 या उससे नीचे में नहीं करता है, क्योंकि मैंने ऐसा ट्राई किया था। बाकी आप अपने वे में ट्राई कर सकते हैं, बट ऐसा करता नहीं है ये। अगर आपका एंड्रॉयड 10 में है तो ये आपको फीचर मिलेगा। चलिए अब मैं बैक करके कोई भी एक दूसरा ऑडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि वो फीचर कैसे वर्क करेगा। बैक करेंगे, बैक एक बार और बैक करेंगे, files, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे रिसेंट फाइल में मेरे पास ऑडियो में चलता हूँ मैं, videos, audio, videos, audio, 17 GB, ऑडियो 17 GB। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने ऑडियो प्ले करके दिखाया था ना, एज ए म्यूजिक प्लेयर में वो प्ले हो गया था, इसका खुद का ही म्यूजिक प्लेयर है वो, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो मैनेजर भी आपको मिलता है इसमें। मान लीजिए कोई वीडियो आई, ठीक है, उसको आपने प्ले किया इसमें, तो उसमें भी आपको फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, प्ले, पॉज, शेयर, है ना। तो इस तरह से सारे ऑप्शन एक्सेसिबल तरीके से मिल जाएंगे। मतलब आपका वीडियो मैनेजर का भी झंझट खत्म हो गया और म्यूजिक प्लेयर का भी झंझट खत्म हो गया, एक ही मिल गया। दो ऑप्शन तो आपको एक में मिल गए। अब तीसरा आ जाता है प्लेबैक स्पीड। इसके लिए हमें अलग से एप्लीकेशन डालनी पड़ती है बार बार, तो वही चीज मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं। तो मैं ऑडियो पे डबल टैप करता हूं, ऑडियो मेरे सामने नेविगेट अप बटन, सभी प्रकार की ऑडियोस आ चुकी हैं। यहां पे देख लेते हैं हम,
101 MDKD yesterday 3 of 2020 2020 101 MDKD. मान लीजिए मैं इस गाने को प्ले करता हूँ एक बार डबल टैप करके. Select 101 MDK pause button. यहाँ पे पॉज कर देता हूँ एक बार. तो यहाँ पे टॉप राइट में मुझे मोर ऑप्शन मिलेगा, इसको डबल टैप करूंगा. Open with 104 and list 4 items. यहाँ पे देखिए मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं. Open with. Move to save folder 204. Move to save folder. ये एक नया फोल्डर बना है. इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप इस फोल्डर में इसे मूव कर देंगे ना, तो उस फोल्डर में आप एक पिन लगा सकते हैं अपने हिसाब से, और जब तक आप चाहेंगे आपके अलावा उस चीज़ को कोई और नहीं देख सकता. ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को. बट ये भी एंड्रॉयड 10 में ही वर्क करता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. वो सेव फोल्डर कहाँ मिलेगा, कैसे उसमें पिन क्रिएट करना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा. तो राइट स्वाइप करूंगा मैं, सेट इज रिंगटोन. यहाँ से आप डायरेक्टली इसको सेट इज रिंगटोन सेट कर सकते हैं अपने रिंगटोन के तौर पे, ताकि जब आपको कॉल आए तो यही गाना बजे. राइट स्वाइप करते हैं. प्लेबैक स्पीड 1.0x 404. प्लेबैक स्पीड 1.0x. ठीक है, तो इस पे डबल टैप करूंगा मैं. प्लेबैक स्पीड 1.0x. 1.0x का मतलब ये नॉर्मल है. ठीक है, अब मुझे इसकी स्पीड मान लीजिए बिल्कुल कम करनी है, तो मैं यहाँ से बैक राइट स्वाइप करूंगा, यानी राइट टू लेफ्ट. ठीक है, राइट टू लेफ्ट स्वाइप करूंगा मैं यहाँ पे. प्लेबैक स्पीड लेफ्ट टू राइट करूंगा, सॉरी. सेट प्लेबैक स्पीड टू 1.5x. 1.5x. सेट प्लेबैक स्पीड टू 1.0x. 1.0x. सेट प्लेबैक स्पीड टू 0.8x. 0.8. सेट प्लेबैक स्पीड टू 0.5x. 0.5. 1.0x. सेट प्लेबैक स्पीड टू 0.5x. ये सबसे कम है. ठीक है, इस पे डबल टैप करूंगा. 0.5x. डबल टैप करते एक बार बैक करूंगा. बैक. Files by Google. Selected 101 MDKD. Play button. और यहाँ पे इसको प्ले करूंगा. ये देखिए कितनी कम स्पीड हो गई. तो ये सॉन्ग की देखा आपने कितनी कम हो गई, मैंने इसे पॉज कर दिया. अभी मैं इसकी स्पीड आपको बढ़ा के दिखाता हूँ. वापस से मोर ऑप्शन में चलूंगा. Playback speed 0.5x 404. ये देखिए 5x सबसे कम होती है. ठीक है, 0.5x. इस पे डबल टैप करूंगा. Playback speed set playback speed to 1.5x. 1.5x. अभी मैं राइट स्वाइप करता करता जा रहा हूँ. Set playback speed to 2.0x. Set playback speed to 2.0x. सबसे तेज इसकी 2.0x पे हो सकती है. इस पे डबल टैप करूंगा. 2.0x. Back. एक बार बैक करके वापस से गाना प्ले करूंगा. File play. तो देखा आपने किस तरह से इस फीचर का यूज करते हुए मैंने इसकी जो ऑडियो को इंक्रीज भी कर दिया, स्पीड को डिक्रीज भी कर दिया. तो इस तरह से आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे बैक करूंगा. Back. Audio 101. Back. तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो मेन म्यूजिक है वो तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया ब्राउज में क्या क्या है. ठीक है, इंटरनल स्टोरेज, डिवाइस स्टोरेज, बाकी मूव वगैरह करना वो सब तो आपको आता ही होगा, वो मैंने बता भी दिया आपको. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं एक बार बैक करूंगा. बैक. फाइल्स, ऑडियो 17 GB. बैक. अब बारी आ जाती है यहाँ पे सेव फोल्डर की. तो यहाँ पे मैं राइट स्वाइप करूंगा. वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, एप्स, 1. कलेक्शंस, सेव फोल्डर. ये देखिए सेव फोल्डर. ठीक है, ये आपको बिल्कुल भारी मिलेगा. जैसे आप फाइल्स पे डबल टैप करके ओपन कर लेंगे ना, तो आपको भारी सेव फोल्डर मिलेगा. इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए मेरे पास कोई ज़रूरी फाइल पड़ी है मेरी PDF में या ऑडियो में, वीडियो में, उसको अगर मैं सेफ फोल्डर में ला के रख दूंगा तो यहाँ पे मुझे एक पिन जनरेट करने को कहेगा, और वो पिन मुझे ही पता होगा. जब तक वो पिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं, कोई भी फाइल को मेरी छेड़ नहीं सकता. ये सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है. तो मैं सेफ फोल्डर पर डबल टैप करूंगा. Backups and duplicates may still be available in other apps. ये देखिए इसने बता दिया. राइट स्वाइप करेंगे. Enter your pin here. Enter your pin. यहाँ पे एडिट बॉक्स ओपन हो चुका है. तो मैं यहाँ पे 4 अंकों का पिन डाल देता हूँ. 4 button. तो यहाँ पे आपका कीबोर्ड डबल टैप पे काम करेगा. तो मैं 4 अंकों का डाल रहा हूँ. 4 1 2 8. ठीक है, तो यहाँ पे next button. Next करूँगा डबल टैप करके. Confirm pin. Choose something that only you know. 4 button. यहाँ पे मुझे कन्फर्म पिन के लिए कह रहा है, तो वही पिन दोबारा डाल दूंगा मैं. 1 2 8. यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा सिंपली. Remember your pin. ये देखिए यहाँ पे मेरे सामने ये पिन मेरा जनरेट हो गया. अब मेरा ये फोल्डर ओपन हो चुका है. ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई भी एक फाइल आपको लाके दिखा देता हूँ. बैक करूंगा एक बार. Files.
अब मैं चलूंगा अपने इंटरनल स्टोरेज में, एसएसडी कार्ड इंटरनल स्टोरेज, डबल टैप करूंगा इसको, इंटरनल स्टोरेज, वन वीडियो एकमेंट अलार्म्स एंड्रॉइड, सारे फोल्डर आ गए मेरे सामने जो जो मेरे इंटरनल स्टोरेज में है। ऐप जंक्शन से ऐप बैकअप एज रिकॉर्डर ऑफ कॉल कॉल पीसीआईएनडी एक्शन डाउनलोड, डाउनलोड में चलेंगे। 15821 LKIR step 2 LKIR, मान लीजिए मेरे पास ये एक PDF है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल टैप करके लॉन्ग प्रेस करूंगा, मोर ऑप्शन लूंगा, टॉप राइट में ऊपर मिलेगा मोर ऑप्शन बटन, अब डिलीट, यहां से डिलीट भी कर सकते हैं, शेयर, किसी को शेयर भी कर सकते हैं, बट मैं अभी मोर ऑप्शन लूंगा, राइट स्वाइप करूंगा, डिलीट मोर ऑप, डबल टैप करूंगा, पॉप अप विंडो, सेलेक्ट ऑल टू ऑफ 8, ऑल, यहां से सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, मूव टू 3 ऑफ 8, कॉपी टू 4 ऑफ 8, रीनेम 5 ऑफ 8, फाइल इन्फो 6 ऑफ 8, मूव टू सेव फोल्डर 7 ऑफ 8, मूव टू सेव फोल्डर, इस पर डबल टैप कर दूंगा, कंफर्म पिन टू मूव, रिमेंबर दैट बैकअप्स एंड डुप्लीकेट्स मे स्टिल बी अवेलेबल इन अदर एप्स, यहाँ पे आपको वही पिन डालना है जो डाला था, ठीक है, मैं पिन डाल देता हूँ फटाफट, 4 1 2 8 नेक्स्ट कर दूंगा, मूविंग वन फाइल स्टॉप बटन, ये देखिए वन फाइल मूव्ड, व्यू बटन, जो मेरी इंटरनल स्टोरेज, वन फाइल मूव्ड, जो मेरी फाइल थी ना वो मूव होके सेव फोल्डर में चली गई है, अब मेरे अलावा उस फोल्डर को कोई और नहीं खोल सकता, अब मैं वहां पे जाऊंगा, मुझसे पिन मांगेगा, पिन पे डबल टैप करते पिन डालूंगा, नेक्स्ट करूंगा, तब जाके मुझे ये फाइल वहां पे दिख पाएगी, तो चलते हैं सेव फोल्डर में, बैक करूंगा, बैक, एक बार और बैक करूंगा, सेव फोल्डर, सेव फोल्डर मुझे ये रहा, डबल टैप करूंगा, पिन डालूंगा, नेक्स्ट करूंगा, Save folder. ये देखिए. Navigate up. Button. अब मैं right swipe करूँगा. Save folder. Showing in list. More option. LKIRCTC account. PDF. 1.02 KB from October 14th. तो ये देखिए, वो जो मैंने फाइल वहाँ से उठाई मूव करी वो मेरे सेव फोल्डर में आ गई, अगर ये फ़ोन मैं किसी और को दे देता हूँ तो मेरी इजाज़त के बिना वो इस फाइल को नहीं देख पाएगा, तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से एक बहुत अच्छा फीचर हो सकता है आपके लिए, ठीक है, तो आप इसे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे बैक कर दूंगा, बैक, अब हमने ब्राउज देख लिया, क्लीन देख लिया, अब उसके बाद बच जाता है शेयर, तो शेयर टैब में क्या होता है, हम किसी को भी कोई भी फाइल अपनी शेयर कर सकते हैं जो भी हमारे फ़ोन में पड़ी है या फिर एसडी कार्ड में पड़ी है, बशर्ते सामने वाले के पास भी गूगल फाइल्स इंस्टॉल होना चाहिए, तो मैं अभी टॉप स्वाइप राइट करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, रीसेंट बटन, रीसेंट होम बटन, होम बैक बटन, ये तो मेरे होम बैक बटन आ गए, तो यहाँ ब्राउज पर एक बार देखता हूँ, सिलेक्टेड ब्राउज टैब 2 ऑफ 3 एंड लिस्ट 3 आइटम्स, सिलेक्टेड ब्राउज टैब है, राइट स्वाइप करेंगे, शेयर टैब 3 ऑफ 3, यहाँ पे आ जाता है शेयर टैब, तो शेयर टैब पे सिंपली मैं यहाँ पे डबल टैप करूंगा, शेयर सिलेक्टेड, अब राइट स्वाइप करेंगे, शो नेविगेशन मेन्यू फाइल्स फास्ट फाइल शेयरिंग विदाउट इंटरनेट, ये देखिए फास्ट फाइल शेयरिंग विदाउट इंटरनेट, मतलब बिना इंटरनेट के आप यहाँ पे फास्ट फाइल शेयर कर सकते हैं अपनी, और बहुत ही इजी तरीके से, राइट स्वाइप करेंगे, सेंड बटन, यहाँ पे आ रहा है सेंड बटन, रिसीव बटन, और यहाँ पे आ रहा है रिसीव बटन, अब मान लीजिए आपको किसी को फाइल भेजनी है तो हम सेंड पे चलेंगे, अगर आपको सामने वाला भेज रहा है ना तब आप रिसीव पे करेंगे, जैसे ही सामने वाला सेंड पे करेगा आप रिसीव पे कर देंगे तो आपको वो फाइल रिसीव कर देगा, ठीक है, सामने वाले के पास आपका नाम आएगा, वो नाम पे डबल टैप करेगा, आपके पास कंटिन्यू का बटन आएगा, कंटिन्यू पे डबल टैप कीजिएगा और फाइल आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, तो मैं यहाँ से सेंड पे डबल टैप करूंगा, सेंड बटन, इस पे डबल टैप करेंगे, अलर्ट फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन व्हिच यूजेस गूगलस लोकेशन सर्विस, तो बेटर एक्सपीरियंस टर्न ऑन, नो थैंक्स, यहाँ पे आपसे लोकेशन ऑन करवाएगा, तो डबल टैप करके आपने ओके कर देना और ऑन कर देनी, ठीक है, ओके ओके करेंगे, प्लीज टर्न ऑन लोकेशन सर्विसेज टू ट्रांसफर रिसीव क्लीन Receive, send button. Send button पे दोबारा करेंगे. Send files to friends. To set up a fast hotspot, allow files to access your location. अब जो permission मांग रहा है इसको allow करेंगे. Cancel button. Continue button. करेंगे. Allow files by Google to access this device's location. Allow only while using the app button. यहाँ पे allow पे double tap करेंगे. Turn on Wi-Fi. You will need to turn on Wi-Fi to send and receive files. ये हमें बता रहा है कि Wi-Fi आपको on करना होगा सामने वाले को file भेजने के लिए, ठीक है? तो on कर देंगे इसको भी. Go to Wi-Fi button. Go to Wi-Fi पे double tap करेंगे. Settings panel. Wi-Fi. Wi-Fi. Off. Switch. ये Wi-Fi off है, इस पे double tap करेंगे on हो जाएगा. Files. Show navigation menu. Files. तो अब हमारे सामने ये setup complete हो गया. वापस से send button पे double tap करेंगे. Fast file. Send. Button. Double tap करेंगे इस पे. Navigate up button. तो अभी ये देखिए यहाँ पे सर्चिंग कर रहा है, ये देखिए. Ask your friend to open the app and tap receive. तो मैं दूसरे फोन में फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ, देख लेते हैं एक बार. Contacts. Overview. मैं यहाँ पे फाइल्स में चलूंगा. Messages.
ये देखिए फाइल्स में आ गया मैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे बैक शेयर में जाऊंगा, रिसीव बटन पे डबल टैप करूंगा तो अब देख लेते हैं मेरा नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। Taran Janeha, enlist. ये देखिए मेरा नाम आ गया यहाँ पे, इस पे डबल टैप कर दूंगा मैं। Connecting to Taran Janeha. ये Generating connection ID. ये दूसरे फोन में कनेक्ट कर रहा है अभी मेरी आईडी, ठीक है। देख लेते हैं अभी फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पे डबल टैप करेंगे ये सर्चिंग शुरू कर देगा। जैसे ही सामने वाला दूसरे फोन में मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है, मैं इसे कनेक्ट पे डबल टैप कर दूंगा। तो अब दोनों ही फोन में ये कनेक्ट हो चुका है। और जैसे ही मतलब मैंने सेंड पे किया, दूसरे फोन को उठाया, उसमें फाइल्स में गया, उस पे रिसीव पे किया, तब ये दोनों कंटिन्यू किया, उसके बाद ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब जिस फोन से मैं इसको भेज रहा हूँ, जिससे मैं ट्यूटोरियल भी बना रहा हूँ, वहाँ पे मेरे सामने पूरा एक इंटरनल स्टोरेज का सारा डेटा यहाँ पे शो हो गया है, इंटरनल एसएसडी का मिला के, चाहे इमेजेस हो, फोल्डर हो। देखते हैं यहाँ पे हम Windows tab 2 of 6 and list 6 items selected downloads tab 1 of 6 selected download पे है video apps tab 3 of 6 तो मैं apps वाले tab पे चलता हूँ। मान लीजिए मुझे किसी को apps भेजना है कोई apps selected apps पे double tap किया, अब मेरे phone में जितने भी installed apps हैं सारे आ जाएंगे। And WhatsApp NPS 6.22 MB NPS, 1 of 80 WhatsApp Business 31.78 MB 2 of 89 Skype 40.95 MB Giant 13. PDF Utility Lite 28 Universal Copy 3 Acom 38. मान लीजिए मुझे यूनिवर्सल कॉपी किसी को भेजना है, ठीक है, तो मैं सिंपली यूनिवर्सल कॉपी पे डबल टैप करूंगा और उसको देख लूंगा। तो आगे देख लेते हैं क्या आ रहा है। सेंड बटन आउट ऑफ लिस्ट, इसे आपको मिलेगा सेंड बटन, डबल टैप करेंगे। Starting transfer, stop button, check progress at bottom of screen, disconnect button, completed 3.0 MB. तो ये मुझे साथ के साथ बता भी रहा है भाई कितना परसेंट चला गया है। तो राइट स्वाइप करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। Taran Janeha, Tarun Janeja, connected via hotspot. Taran Janeha sent one file to Taran Janeha and listed. ये देखिए मेरे सामने यहाँ पे ये बता रहा है कि जो फाइल है वो सेंड होके चली चुकी है, जा चुकी है। ये देखिए राइट स्वाइप करूंगा मैं यहाँ पे, यूनिवर्सल कॉपी 3.01 MB ये आ गई, ठीक है। तो दूसरे फोन में मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास फाइल आ चुकी है। ये रही, इस पे डबल टैप करूंगा तो सीधा ये मुझे इंस्टॉल के लिए दे देगा। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा।